हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में रिलीज हुई टेक्सास चेनसॉ 3D। ये टेक्सास चेनसॉ मैसेकर फ्रेंचाइज की 7वीं फिल्म है और ये 1974 वाली टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का डायरेक्ट सीक्वल है। डायरेक्ट सीक्वल मतलब कि इसका किसी और पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा ओरिजिनल फिल्म से कनेक्टेड है। जैसे 2018 में आई हैलोवीन भी एक डायरेक्ट सीक्वल है। तो ये मूवी फेमस है तो सिर्फ इसकी लीड एक्ट्रेस अलेक्जेंड्रा डेडारियो की वजह से। और इंडिया में भी ज्यादातर लोग इसी टेक्सास चेनसॉ मूवी के बारे में जानते हैं क्योंकि ये हिंदी में भी अवेलेबल है। बाकी मूवीज इंडिया में पॉपुलर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जैसे 2003 और 2006 वाली मूवीज। इन दोनों को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो आप उन्हें भी जरूर देख लेना। वो इस पूरी फ्रेंचाइज की दो बेस्ट मूवीज हैं। तो ये मूवी सीधा कनेक्टेड है 1974 वाली फिल्म से, ये एग्जैक्ट उसकी एंडिंग से शुरू होगी। अगर आपने 1974 वाली फिल्म नहीं देखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरी 2003 वाली मूवी की वीडियो देखी है तो आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने वो भी नहीं देखी तो मैं बहुत शॉर्ट में 1974 वाली मूवी की स्टोरी बता देता हूँ। 5 फ्रेंड टेक्सास के एक टाउन में जाते हैं, वहाँ उनकी वैन का फ्यूल खत्म होने लगता है। गैस स्टेशन पर भी उन्हें फ्यूल नहीं मिलता, तब वो मदद के लिए घर तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से एक एक करके वो सब मरने लगते हैं, क्योंकि उस घर में रहता था लेदर फेस और उसकी सन की फैमिली। एंड में सैली नाम की लड़की किसी तरह उनसे बचकर निकल जाती है। अब यहाँ से इस मूवी की स्टोरी शुरू होगी, बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सैली सीधा पुलिस को जाकर सब बता देती है और शेरिफ ऊपर उस घर पर पहुंच जाता है। वो उन्हें हाथ ऊपर करके घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन घर के अंदर पूरा सॉयर खानदान इकट्ठा हो चुका था। सॉयर उस फैमिली का लास्ट नेम है। वो किसी भी हालात में पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहते थे, लेकिन काफी देर सोचने के बाद वो जेडेडायो को बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मूवी में लेदरफेस का असली नाम जेडेडाया है। वो उसे बाहर भेज रहे थे तभी उस टाउन का मेयर बर्ट हार्टमेंट अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो सब कानून अपने हाथ में लेकर सॉयर फैमिली पर हमला कर देते हैं। वो उनका घर जला देते हैं और एक एक करके सबको गोली मार देते हैं। शेरिफ ऊपर कुछ नहीं कर पाता। रात को वो सब वहाँ की तलाशी लेते हैं और सॉयर्स के बचे हुए सामान को उठा लेते हैं अपनी बहादुरी की यादगार के तौर पर। गेविन नाम के आदमी को एक शेड में लोरेटा सॉयर जिंदा मिल जाती है और उसके हाथ में उसकी बच्ची एडिथ रोज सॉयर भी थी। लोरेटा उससे मदद मांगती है। गेविन उसके हाथ से बच्ची को ले लेता है और उसे मार देता है। गेविन की कोई औलाद नहीं थी। वो एडिथ को अपनी वाइफ एरियन के पास ले जाता है। एडिथ की बॉडी पर एक बर्थमार्क था जो कि सॉयर फैमिली की निशानी थी। वो दोनों एडिथ को ट्रक में लेटा कर अपने ग्रुप के पास वापस चले जाते हैं। वो सब इस दिन को याद रखने के लिए सॉयर्स की डेड बॉडीज के साथ फोटो खिंचवाते हैं। कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं हैदर को। हैदर वही लड़की है जिसे गेविन ने चुरा लिया था। उन्होंने उसका नाम हैदर रखकर उसे अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन एक दिन हैदर को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था कि उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी है और अब उसकी सारी प्रॉपर्टी हैदर की है। हैदर को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसकी कोई ग्रैंड मदर थी ही नहीं। वो अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछती है, तब उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे ये नहीं बताते कि उन्होंने उसे कहाँ से अडॉप्ट किया। वो बस उसे ये बताते हैं कि वो एक घटिया फैमिली से बिलोंग करती है। हैदर पहले ही बहुत परेशान थी ये जानकर के वो अडॉप्टेड है और उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो घर से चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड रायन के पास जाती है और उसे कहती है कि वो टेक्सास के न्यू टाउन में जा रही है जहां उसकी ग्रैंड मदर रहती थी। रायन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। हैदर की बेस्ट फ्रेंड निक्की और उसका बॉयफ्रेंड कैनी भी उनके साथ चलते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। जैसे ही कैनी ड्राइव करता है उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो उसे हिट कर देता है। उसका नाम डैरिल था। वो भी उसी रास्ते पर जा रहा था इसलिए सॉरी के तौर पर वो उसे अपनी वैन में बैठा लेते हैं। सुबह तक वो उस टाउन में पहुंच जाते हैं। उसकी ग्रैंड मदर के एड्रेस पर पहुंचकर वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी छोटे से कैबिन की उम्मीद की थी, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी थी। वहाँ उनका फैमिली लॉयर फ्रांसवर्थ आता है और हैदर को घर की चाबियाँ और एक लेटर देता है जो कि उसकी ग्रैंड मदर वर्ना कार्सन ने उसके लिए छोड़ा था। फ्रांसवर्थ हैदर को कहता है कि वो सबसे पहले ये लेटर पढ़ ले क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो हैदर को सब कुछ समझा कर बाहर से ही जाने लगता है। तब हैदर उससे पूछती है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। वो हंसकर कहता है कि वो कभी खोई ही नहीं थी। वो सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो एक मैंशन था। जितना एक्सपेंसिव वो बाहर से दिख रहा था उससे कई ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें उसके अंदर थी और अब हैदर इस सब की इकलौती ओनर थी। उसके फ्रेंड्स वहाँ इन्जॉय करने लगते हैं।
हैदर बैकयार्ड में जाती है और वहां उसे उनकी फैमिली का कब्रिस्तान मिलता है, जिसमें उसकी ग्रैंड मदर की कब्र के साथ ही उसकी मॉम की कब्र भी थी। उसके फ्रेंड्स को वो घर बहुत पसंद आया था और वो रात को वहीं पर रुकना चाहते थे। डैरिल भी उनके साथ वहीं रुकना चाहता था। हैदर मान जाती है। वो सब खाने का सामान खरीदने के लिए मार्केट जाने लगते हैं, लेकिन डैरिल उनके साथ नहीं जाता। वो कहता है कि इतने में वो घर की सफाई कर देगा। वो सब चले जाते हैं और जैसा डैरिल ने कहा था, वो घर की सफाई करने लगता है। वो सारी कीमती चीज़ें अपने बैग्स में भरने लगता है। सारा सामान चुरा लेने के बाद वो उस घर की सबसे बड़ी चाबी का ताला ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि असली सामान उसी ताले के पीछे होगा। वो किचन में पहुंच जाता है और वहां उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाता है तो वहां उसे एक और दरवाज़ा मिलता है। वो देखता है कि वो बेसमेंट का दरवाज़ा था। बिना कोई देर किए वो बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहां उसे वो बड़ा सा दरवाज़ा मिल जाता है। वो जल्दी से उस चाबी से उसे अनलॉक कर लेता है। अंदर बहुत सारी वाइन की बॉटल्स रखी थी, लेकिन उसने कुछ सोना चांदी एक्सपेक्ट किया था। उसे वहां एक मेटल का डोर दिखाई देता है, जिसके बाहर एक प्लेट में खाना रखा था। वो उस डोर को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे उसे कन्फर्म हो जाता है कि उस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत ही ज़्यादा कीमती है। वो हार ना मानते हुए उसे खोलने के लिए औजार ढूंढने लगता है। तभी पीछे से लेदर फेस आकर एक हथौड़े से उसे मार देता है। उधर मार्केट में हैदर को ऑफिसर कार्ल मिलता है, जो कि उससे बातचीत करने लगता है। तभी वहाँ मेयर बर्ट हार्टमैन पहुँच जाता है। वो हैदर से पूछताछ करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि कार्सन एस्टेट अब उसका हो चुका है, तब वो हैदर को उसे खरीदने का ऑफर देता है। हैदर उसे साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। वापस घर पहुंचकर वो देखते हैं कि डैरिल उनका सामान लेकर भाग चुका था, जिनमें घर की चाबियां भी शामिल थी। लेकिन उसके फ्रेंड इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और हैदर को भी नहीं लेने देते। रात को कैनी किचन में कुकिंग कर रहा था, तब उसे भी वो सीक्रेट दरवाज़ा दिख जाता है। वो उसके अंदर जाता है और उसे बेसमेंट भी दिख जाता है। वो बेसमेंट में जाता है और वहाँ उसे खून पड़ा हुआ मिलता है। वहाँ पर डैरिल के बैग्स भी पड़े थे। उसे वो मेटल वाला दरवाज़ा भी खुला मिलता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वो डैरिल को आवाज़ लगाता है, तभी सामने से लेदरफेस भागते हुए आ जाता है। कैनी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेदरफेस उसे पकड़कर ले जाता है। कैनी की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि ऊपर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा था। हैदर अपनी ग्रैंड मदर के कमरे में उसका सामान देख रही थी। तभी उसकी नज़र शीशे पर पड़ती है और वो बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि उसके पीछे उसकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी रखी हुई थी। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और रायन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे रायन नहीं मिलता, क्योंकि रायन और निकी दोनों उसे चीट कर रहे थे। वो किचन में जाती है और वहाँ उसे लेदर फेस मिलता है, जो कि किसी की उंगलियाँ काट रहा था। वो हैदर को पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है। वहाँ लेदर फेस चेनसो से डैरिल को काट रहा था। वो कैनी को एक हुक पर लटका देता है और चेनसो से उसके दो टुकड़े कर देता है। इसी बीच हैदर वहाँ से भाग जाती है। लेदर फेस से बचते हुए वो कब्रिस्तान में पहुंच जाती है और वहां उसे उसकी ग्रैंड मदर की कब्र खुदी हुई मिलती है। वो कब्र लेदर फेस ने ही खोदी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वरना मर चुकी है, क्योंकि वो बेसमेंट में ही बंद था और डैरिल की वजह से वो बाहर निकल पाया। बाहर उसे वरना नहीं मिली होगी और उसकी कब्र देखकर उसने उसे बाहर निकाल लिया और उसे ले जाकर वापस उसके कमरे में बैठा दिया। हैदर वरना के कॉफिन में छुप जाती है, लेकिन लेदर फेस उसे देख लेता है। वो चेनसो कॉफिन के अंदर ही घुसा देता है। शोर सुनकर रायन और निकी भी बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर लेदरफेस उनकी तरफ भागता है। रायन जल्दी से बाण का दरवाज़ा बंद कर लेता है, लेकिन लेदरफेस चेनसो से उसे काटने लगता है। तब निकी वहां रखी शॉटगन उठाकर उसे शूट कर देती है। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। तभी हैदर वैन लेकर वहां पहुंच जाती है। वो दोनों जल्दी से वैन में बैठ जाते हैं, तभी लेदरफेस उन पर हमला कर देता है। रायन वैन को ड्राइव करके वहां से निकालने लगता है। वो गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके खुलने का वेट नहीं करता। वो सोचता है कि गेट टूट जाएगा और वो वैन को सीधा गेट में घुसा देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब वो वैन को फिर से पीछे लेता है और गेट खुलने का वेट करता है। तभी उनकी वैन बंद हो जाती है और लेदरफेस भी वहां पहुंच जाता है। किसी तरह वो कार स्टार्ट करके वहां से बाहर निकाल लेता है, लेकिन लेदरफेस चेनसो से वैन का टायर फाड़ देता है, जिससे उनकी वैन कुछ ही दूरी पर क्रैश हो जाती है। रायन उस क्रैश में मारा जाता है। हैदर और निकी दोनों वैन से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेदरफेस पहले ही उन पर हमला कर देता है। वो उनकी वैन को पलट देता है और दरवाज़ा खोलकर निकी को चेनसो से काटने लगता है। तब हैदर जल्दी से बाहर निकलकर उसे अपने पीछे लगा लेती है। भागते भागते हैदर एक कार्निवल तक पहुंच जाती है और लेदरफेस भी उसके पीछे कार्निवल में घुस जाता है। उसे देखकर वहां अफरा तफरी मच जाती है।
उससे बचने के लिए हैदर एक जायंट व्हील पर लटक जाती है। वो सोचती है कि वो बच गई, लेकिन लेदर फेस नीचे खड़ा होकर उसके नीचे आने का वेट करता है। हैदर वापस नीचे आने लगती है और लेदर फेस चेनसो लेकर तैयार खड़ा था। तभी ऑफिसर कार्ल वहां पहुंच जाता है। लेदर फेस चेनसो उसकी तरफ फेंक कर वहां से भाग जाता है। कार्ल हैदर को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे पूछताछ करता है शेरिफ हूपर। हैदर उसे बता देती है कि कैसे कार्सन मैंशन में एक रियल ह्यूमन फेस मास्क पहने हुए आदमी ने उसके दोस्तों को मार दिया और उसे भी मारने की कोशिश की। ये सुनकर शेरिफ चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि पहले भी एग्जैक्टली यही केस उसके पास आ चुका है, जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। कार्ल उस केस की सारी फाइल्स टेबल पर लाकर रख देता है। तभी मेयर बर्ट पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और शेरिफ और कार्ल को वहां से जाना पड़ता है। उनके जाते ही हैदर वो केस फाइल खोल लेती है और उसे उस टाउन के बारे में सब पता चल जाता है, कैसे उन सब ने मिलकर उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था और वो पूरा मामला सीक्रेट ही रखा गया। हैदर को पता चल जाता है कि बर्ट ने ही वो सब किया था और शेरिफ ऊपर भी वहां पर मौजूद था। उसे उसके रियल मॉम की फोटो भी मिल जाती है, साथ ही उसे उसके फॉस्टर पेरेंट्स भी उनकी फोटो में दिख जाते हैं। अब उसे सब कुछ क्लियर हो चुका था। उधर हूपर बर्ट को बताता है कि हैदर ने जेडेडिया सॉयर को देखा है, लेकिन बर्ट इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने पूरी फैमिली को मार दिया था। बर्ट कार्सन एस्टेट पहुंचे हुए ऑफिसर मार्विन को अंदर जाने के ऑर्डर्स दे देता है, जबकि हूपर उसे बैकअप का वेट करने के लिए कहता है। मार्विन मेयर की बात सुनता है और अंदर चला जाता है। बर्ट उसके फ़ोन पर वीडियो कॉल करता है और सब कुछ लाइव देखने लगता है। खून के निशानों का पीछा करते हुए मार्विन बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे कई सारी डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें लेदर फेस ने काट रखा था। मार्विन की हालत खराब हो चुकी थी, वो वहां से निकलना चाहता था। बर्ट उसे वहां रखा फ्रीज़र चेक करने के लिए कहता है। जैसे ही वो फ्रीज़र खोलता है, उसमें से निक्की निकलती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। डर के मारे मार्विन उसे शूट कर देता है। वो जल्दी से फ़ोन बंद करके वहां से भागने लगता है, लेकिन लेदर फेस उसे पकड़कर मार देता है। इधर बर्ट गुस्से में हैदर के पास जाता है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलती। वो सच जानने के बाद वहां से भाग चुकी थी। तब मेयर फिर से वही करने का डिसीजन लेता है जो उसने पहले किया था। उधर हैदर फ्रांसवर्थ को कॉल करती है और वो उसे एक बार में मिलने के लिए कहता है। हैदर उससे बार में मिलती है और वो उससे उस चिट्ठी के बारे में पूछता है, जिसे पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन हैदर ने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी थी। फ्रांसवर्थ उसे बताता है कि जिसने उसके दोस्तों को मारा वो जेडेडिया सॉयर है और वो उसका कज़न है, लेकिन ये बात जेडेडिया को नहीं पता कि हैदर ही एडिथ है। हैदर को ये तो पता चल ही चुका था कि वर्णा ने अब तक उसे उस टाउन में क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि उस टाउन के लोग सॉयर्स को जिंदा नहीं छोड़ते थे। फ्रांसवर्थ उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी बर्ट वहां पहुंच जाता है। फ्रांसवर्थ जल्दी से हैदर को एक चाकू देकर वहां से भगा देता है। वो भाग कर बाहर पहुंच जाती है। तभी बर्ट का साथी एली उसे कार से ठोक देता है। जैसे ही वो हैदर के पास आता है, वो चाकू से उस पर हमला कर देती है और वहां से भाग जाती है। हैदर को ऑफिसर कार्ल मिल जाता है और वो उसे बताती है कि बर्ट उसके पीछे पड़ा है। कार्ल उसे कार में बैठा लेता है। वो कहती है कि उसे अपने लॉयर के लिए वापस बार पर जाना है, लेकिन कार्ल कार नहीं रोकता, क्योंकि वो बर्ट का ही बेटा था। फ्रांसवर्थ उसे हैदर को ले जाते हुए देख लेता है। कार्ल अपने डैड को कॉल करके बताता है कि उसने हैदर को पकड़ लिया है। बर्ट उसे हैदर को स्लॉटर हाउस पर ले जाने के लिए कहता है, जहां वो उसे मार देंगे। बर्ट मार्विन को भी रेडियो पर बता देता है कि वो आखिरी सॉयर को स्लॉटर हाउस पर मारने वाले हैं, और ये सब लेदर फेस सुन लेता है, जो कि मार्विन को मारने के बाद उसकी कार को ठिकाने लगा रहा था। वो एक चेन सॉ लेकर वहां से निकल जाता है। उधर फ्रांसवर्थ शेरिफ ऊपर को बता देता है कि कार्ल हैदर को उसकी मर्जी के खिलाफ टाउन से बाहर ले जा रहा है। उसकी बात सुनकर हूपर समझ जाता है कि वो कहां जा रहा है और क्या करने वाला है। वो भी स्लॉटर हाउस के लिए निकल जाता है। कार्ल हैदर को स्लॉटर हाउस में ले जाकर बांध देता है और बाहर जाकर अपने डैड का वेट करता है। तभी लेदर फेस भी वहां पहुंच जाता है। वो अंदर जाकर हैदर के ऊपर चेनसो रख देता है। जैसे ही वो उसे मारने लगता है, वो उसका बर्थमार्क देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो ही आखिरी सॉयर है। वो जल्दी से उसे आज़ाद कर देता है। तभी बर्ट एली के साथ वहां पहुंच जाता है और उसे मारने लगता है। हैदर भागकर वहां से बाहर निकल जाती है। अंदर वो दोनों लेदर फेस को एक ग्राइंडर में डालकर मारने वाले थे, इसलिए भागने के बजाय हैदर अंदर जाकर लेदर फेस की मदद करती है। वो एली को मार देती है और लेदर फेस को उसकी चेन सौ दे देती है। लेदर फेस बर्ट को मारने ही वाला था, तभी हूपर वहां पहुंच जाता है। बर्ट उससे मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता और चुपचाप सब कुछ देखता है, जैसे उसने उसकी बारी पर देखा था। लेदर फेस बर्ट को ग्राइंडर में धकेल देता है। हूपर उसे बिना गिरफ्तार किए वहां से चला जाता है, जहां उसने इतने सालों से एक सीक्रेट दबा रखा था, वहां एक और सही।
हैदर और लेदरफेस दोनों घर जाते हैं और हैदर वर्णा की चिट्ठी पढ़ती है। इसमें लिखा था कि ये सब अब तुम्हारा है, लेकिन इसके साथ तुम्हारी एक जिम्मेदारी भी है। बेसमेंट में तुम्हारा कजन जेडेडायर रहता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और बदले में उसे सिर्फ तुम्हारी केयर चाहिए। हैदर सब समझ जाती है और वो दोनों एक फैमिली बन जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हैदर के फॉस्टर पेरेंट्स पैसे के लालच में उससे मिलने आते हैं, लेकिन वहाँ उनका स्वागत करता है लेदरफेस। तो इस मूवी को ओरिजिनल मूवी के प्लॉट होल्स भरने के लिए प्लान किया था, तभी ये मूवी किसी कैरेक्टर के बजाय स्टोरी पर फोकस करती है। बार बार हमें प्रेजेंट का पास से कनेक्शन दिखाया जाता है और इस मूवी में लेदरफेस ओल्ड दिखाया गया है, बिल्कुल जैसे 2018 की हैलोवीन का माइकल मायर्स। और उस मूवी ने यह साबित किया कि पॉपुलर हॉरर आइकन्स को ओल्ड दिखाकर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है। हालांकि इस मूवी को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। $20 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने $47 मिलियन कमाए थे, जो कि ठीक ठाक है। मूवी पहले दिन से लेकर पूरे हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन थी, लेकिन इसके रिव्यूज बहुत नेगेटिव थे, इसलिए इस सीरीज को भी आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। इस फ्रेंचाइज में 2017 में एक और मूवी आई थी जिसका नाम है लेदरफेस, और वह 1974 वाली मूवी का प्रीक्वल है। उसमें हमें लेदरफेस की बैक स्टोरी दिखाई गई है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि लेदरफेस की बैक स्टोरी तो हमने 2006 वाली मूवी में देख ली थी, तो मैं बता दूं कि वो रीबूट सीरीज थी। उसमें कैरेक्टर और प्लॉट सब कुछ अलग था। उसमें लेदरफेस का नाम था थॉमस और इसमें है जेडेडाया, जबकि उसमें जेडेडाया लेदरफेस के भाई हॉइट का बेटा था। तो 2003 और 2006 वाली मूवी पूरी सीरीज से अलग है, वो 1974 वाली मूवी से कनेक्ट नहीं करती है, लेकिन ये मूवीज ओरिजिनल मूवी से कनेक्ट करती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये भी सच है कि सबसे ज्यादा डरावना लेदरफेस 2003 वाली मूवी में दिखाया गया है, उसके जैसा लेदरफेस किसी और मूवी में नहीं है। खैर, लेदरफेस मूवी के ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगा। उसे देखने के लिए आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि आप उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मूवी की स्क्रिप्ट के हिसाब से लेदरफेस का नाम जेबेडायस और था, जिसे बाद में बदलकर जेडेडायस और कर दिया गया, और 2003 वाले रीमेक में जेडेडाया हॉइट के बेटे का नाम है। अलेक्जेंडर डडेरियो का एक स्ट्रिक्ट रूल है कि वो किसी भी मूवी में न्यूड सीन नहीं करती। इस मूवी में भी एक सीन है जिसमें स्लॉटर हाउस में उसे बांधा जाता है और उसकी शर्ट खुली रहती है, वो सीन भी उसने कम्प्लीटली न्यूड नहीं किया, और उसी सीन की वजह से ये मूवी पॉपुलर है। इस मूवी में टोटल 3 एक्टर्स ने लेदरफेस का रोल किया है। गनर हैंसन ने फुटेज वाले लेदरफेस का रोल किया है, सैम मैकिन्जी ने यंग लेदरफेस का, और डैन येगर ने मेन लेदरफेस का। ओरिजिनली ये एक ट्रायलॉजी होने वाली थी जिसमें पहले सेकंड पार्ट रिलीज किया जाता, जो कि कम्प्लीटली हॉस्पिटल में बेस्ड होता। फिर सेकंड फिल्म होती प्रीक्वल, जिसमें वो कारण दिखाए जाते जिनकी वजह से हॉस्पिटल वाला सिनेरियो होता, और फिर आती थर्ड मूवी जो कि पूरी स्टोरी कंप्लीट करती। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की था, इसलिए प्रोड्यूसर्स ने इसके बजाय सीधा ओरिजिनल फिल्म का डायरेक्ट सीक्वल बनाना ठीक समझा। 2007 में प्लेटिनम ड्यून्स कंपनी ने यह अनाउंस किया था कि वो 2003 और 2006 वाली मूवी के बाद अब इस सीरीज में और कोई मूवी नहीं बनाएंगे। तब ट्विस्टेड पिक्चर्स, जिसका नाम सॉ सीरीज के साथ भी जुड़ा है, उन्होंने 2009 में इस सीरीज के लिए मल्टी पिक्चर डील साइन की, जिसकी वजह से हमें ये मूवी और 2017 वाली लेदरफेस देखने को मिली। ये गनर हैंसन और मैरिलिन बर्न्स की आखिरी फिल्म है, वो दोनों 2014 और 2015 में मर गए थे। गनर ने ओरिजिनल मूवी में लेदरफेस का रोल किया था और इसमें सॉयर फैमिली के हेड का। मैरिलिन ने ओरिजिनल फिल्म में लीड एक्ट्रेस सैली का रोल किया था और इसमें ग्रैंड मदर वर्णा का। गनर हैंसन ओरिजिनल मूवी के बाद सिर्फ इसी मूवी में दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्हें और टेक्सास चेंसो मूवीज के ऑफर आए थे, लेकिन किसी भी मूवी के लिए उन्हें पैसे ऑफर नहीं किए जा रहे थे। यही एक मूवी है जिसमें उन्हें काम करने की सैलरी मिली। अलेक्जेंडर डडेरियो और ट्रे सॉन्ग्स दोनों ने ही ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है, उन दोनों ने सिर्फ 2003 और 2006 वाली रीबूट सीरीज देखी है। जिस दिन घर जलाने वाला सीन शूट किया जा रहा था, उस दिन 106 डिग्री टेम्परेचर था, जिसकी वजह से फायर स्टंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और जो लोग कमेंट्स में गालियां देने लगते हैं कि 100 डिग्री पर तो पानी उबल जाता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाहर के देशों में टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं बल्कि फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट 41 डिग्री सेल्सियस बनता है। शेरिफ हूपर का नाम टोबी हूपर के नाम पर रखा गया है, जो कि टेक्सास चेंसो मैसेकर के क्रिएटर हैं। ओरिजिनल मूवी की तरह इसमें भी मेन कैरेक्टर से एक अनजान आदमी को अपनी वैन में बैठा लेते हैं, जिसके इरादे ठीक नहीं होते। इस मूवी में हमें टॉलेस्ट लेदरफेस दिखाया गया है, जो कि 6 फुट 6 इंच का है। को राइटर के मुताबिक वैन अटैक, कार्निवल और स्लॉटर हाउस वाले सीन और भी ज्यादा गोरी थे, लेकिन बाद में उन्हें रीराइट किया गया। इस मूवी को 2011 में ही शूट कर लिया गया था, लेकिन रिलीज किया 2013 में। ओरिजिनली इसे 2012 में रिलीज करना था, लेकिन कंपटीशन जैसे साइलेंट हिल रेवलेशन 3D, आर्गो, सिनिस्टर, पैरानॉर्मल एक्टिविटी 4 और टेकन 2 की वजह से इसे डिले करके 2013 में रिलीज किया गया।
अलेक्जेंडर डडेरियो 1986 में पैदा हुई थी और उसी साल द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 2 भी रिलीज हुई थी। ओरिजिनल मूवी की तरह इसमें भी पहला विक्टिम लेदरफेस के घर में घूमते हुए मरता है। कार्निवल में लेदरफेस को एक आदमी पिग मास्क पहने और हाथ में चेनसॉ लिए मिलता है। अगर आपने सॉ मूवी देखी है तो आप समझ गए होंगे कि ये जिगसॉ का रेफरेंस है। तो ये थे इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे लेदरफेस मूवी के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।